नमस्कार दोस्तों, ज्ञान यान टैक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस प्रकार से किसी भी गाड़ी के नंबर प्लेट से उस गाड़ी के मालिक की पूरी डिटेल, उसका एड्रेस और उसके फादर का नाम और वो किस गांव से है और वो गाड़ी उसने कहां पे रजिस्ट्रेशन कराई है और उस गाड़ी का इंश्योरेंस है या नहीं, अगर जो है तो कब तक का है, ये सब जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। तो इस वीडियो से मैं आज आपको ये सब बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारे को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्ले स्टोर में उन दोनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो हम सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे और इसके सर्च बार में टाइप करेंगे RTO। हम RTO रजिस्ट्रेशन डालेंगे और ये देखिएगा, इस प्रकार डालने के बाद में ये बहुत सारी ऐप्स खुल जाएंगी और जो सबसे ऊपर ऐप है और जो दूसरे नंबर का ऐप है, ये दोनों ऐप हम इंस्टॉल कर लेंगे। देखिएगा, जो सबसे ऊपर का ऐप है, हम इसको, मैंने इसको अपने मोबाइल में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं पहले आपको इस ऐप के बारे में बताऊंगा और फिर दूसरा ऐप। ये दोनों ऐप आपको सिर्फ गाड़ी का चेसिस नंबर और इंजन नंबर और ये गाड़ी कहाँ पे रजिस्टर हुई है और उसके मालिक का क्या नाम है, इसके बारे में जानकारी देगी। जो एप्लीकेशन पूरा एड्रेस बताएगी, वो एप्लीकेशन हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एप्लीकेशन कौन सा है। ऐसे स्क्रॉल करेंगे इसको और ये देखिएगा, जिसमें ये ब्लैक गाड़ी छपा है और ये PB04 करके लिखा है और नीचे MH01 लिखा है। ये एप्लीकेशन, इसको हम गाड़ी के मालिक की पूरी जानकारी के लिए इंस्टॉल करेंगे। इसको इसलिए मैं बाद में बोल रहा हूँ क्योंकि इस ऐप के लिए हमारे को गाड़ी के जो चेसिस नंबर या इंजन नंबर के 5 डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट चाहिएंगे और वो हमारे को पहले वाली ऐप से मिलेंगे। तो इसीलिए आप इसको और जो वो फर्स्ट में जो दो ऐप थी, इनमें से दोनों में से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको पहले इस ऐप के बारे में बताता हूँ। इस ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में देखिएगा, ये ऐप इस प्रकार से खुल जाएगा और ये देखिएगा, यहाँ सर्च व्हीकल इंफॉर्मेशन पे हम ओके करेंगे। ये बीच में ऐड आएगा क्योंकि ये फ्री ऐप है, तो ये इस प्रकार से आएगा और यहाँ पे हम जो हमारा गाड़ी का नंबर है वो डाल देंगे। देखिएगा, जैसे मैं उदाहरण के लिए एक गाड़ी का नंबर इसमें डालता हूँ, HR06AJ1502। इसको डाल के मैं इसको सर्च करूँगा। देखिएगा, ये देखिएगा, इस गाड़ी का ये जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था वो इसने दिखाया, फिर उसके बाद में इसने ओनर का जो नाम है वो दिखाया। देखिएगा, ओनर का नाम पवन कुमार दिखा रहा है और ये रजिस्टर डेट, ये देखिएगा, 16 सितंबर 2016 में रजिस्टर हुई थी और ये मॉडल नंबर और ये क्लास जो इसमें मोटरसाइकिल लिखा है, उसके बाद टाइप पेट्रोल और चेसिस नंबर और ये इंजन नंबर, ये देखिएगा, इससे हमारा चेसिस नंबर और इंजन नंबर और ओनर का नाम निकल गया है। अब मैं आपको दूसरी ऐप खोल के दिखाऊंगा। तो इससे हमारे को हमारी जो व्हीकल है उसकी बेसिक जानकारी मिल जाएगी। अब मैं पूरी डिटेल आपको निकाल के दिखाऊंगा। देखिएगा, जैसे इस गाड़ी का ये चेसिस नंबर लास्ट के डिजिट हैं 01703, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी ऐप पे चलते हैं। इस ऐप से हम बाहर आ जाएंगे और जो दूसरा ऐप मैंने बताया था, सेम प्ले स्टोर से प्ले स्टोर में जाएंगे और इसी प्रकार से हम उसको इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैंने उसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाऊंगा। अब हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में ये इस प्रकार से खुलेगा, ये स्टेट दिखाएगा। अब हमारे को जिस स्टेट की गाड़ी के बारे में जानकारी लेनी है, हम स्टेट को इसके अंदर ओके करेंगे। देखिएगा, ये
ये इस प्रकार से खुल जाएगी। और ये देखिए इस प्रकार से खुलने के बाद में हम जो इसका ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पे हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। जैसे इसमें कैसे डालेंगे, फर्स्ट में जैसे ये HR06 और जो A और J था ये डाल देंगे, और फिर जो लास्ट के जो जो चार डिजिट होते हैं वो हम इसमें डालेंगे 1502। और जो ये देखिएगा इसने मांग रखा लास्ट 5, ये देखिए करेक्टर ऑफ चेसिस नंबर, तो यहाँ पे हम जो वो लास्ट के थे 0 17 0 3, ये देखिएगा ये थे, और इसको हम यहाँ से इस प्रकार से करेंगे और ये सिलेक्ट को ओके करेंगे। सिलेक्ट में हम इसमें वो गाड़ी का जो दिखाया था कि ये कहाँ पे रजिस्टर हुई है तो वो इसमें हम डाल देंगे, जैसे ये पानीपत का दिखाया था तो इसमें पानीपत डाल देंगे। और इसके बाद में यहाँ पे ये जो कैप्चा है ये डाल देंगे, क्योंकि ये हमारी सिक्योरिटी के लिए पूछता है कि हम रोबोट तो नहीं हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए इसके बाद में हम इसको सर्च कर देंगे, ये देखिएगा दोस्तों, ये जैसे हमने सर्च किया तो इस गाड़ी का ये देखिएगा पूरा इसमें डाटा दे दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल क्लास, ये देखिए परचेज डेट भी दे दिया इसके अंदर, ये 22 जुलाई 2016 को ख़रीदा हुआ है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट दे दिया, ये मैन्युफैक्चर डेट दे दिया, ये देखिएगा सीटिंग कैपेसिटी दे दिया, पूरा डिटेल A to Z मिलेगा आपको। ये देखिएगा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये डीलर का नाम भी दे दिया, ये देखिए मोंगा ऑटोमोबाइल के नाम से लिखा है, और ये चेसिस नंबर और इंजन नंबर दो सेव दे दिया था। उसके बाद नीचे ये देखिएगा ओनर का पूरा एड्रेस, ये देखिएगा ओनर का पूरा एड्रेस, और उसके बाद में उनके फादर का नाम, और ये देखिए परमानेंट एड्रेस, ये देखिए ये मालिक का पूरा दे दिया है। उसके बाद में हम ये गाड़ी इंश्योरेंस है कि नहीं ये देखिएगा, फाइनेंसर नेम ये देखिएगा HDFC बैंक से ये गाड़ी फाइनेंस की हुई है, और ये देखिएगा पानीपत से, और उसके बाद में ये देखिएगा कि इस गाड़ी का इंश्योरेंस किस कंपनी से हो रखा है, ये देखिएगा इससे ये पूरी जानकारी हमारे को मिल जाएगी, ये देखिएगा, और इसका कब से कब तक का, ये देखिएगा इंश्योरेंस 22 जुलाई 2016 से, और इंश्योरेंस अप टू ये देखिएगा 21 जुलाई 2017 तक। तो दोस्तों इस प्रकार से हम दो एप्लीकेशन की मदद से किसी भी व्हीकल की नंबर प्लेट से सिर्फ उस गाड़ी के मालिक का पूरा एड्रेस और उस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम कोई पुराना व्हीकल ख़रीदते हैं और इससे हम उसका पूरा डिटेल निकाल के चेक कर सकते हैं कि ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा, और मेरे इस ज्ञानयान टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।